इफेक्ट ऑन वाटर लेवल व्हेन आइस मेल्ट्स। एक वेसल में हम लोगों ने पानी भर रखा है और पानी पे आइस फ्लोट कर रही है, तैर रही है। आइस की डेंसिटी 0.9 होती है, रिलेटिव डेंसिटी, मतलब वाटर के रेस्पेक्ट में इसकी जो डेंसिटी होती है वो 90% होती है। जो भी रिलेटिव डेंसिटी होती है, अगर वो ऑब्जेक्ट वाटर में फ्लोट कर रहा हो वाटर की सरफेस पे, तो हम देखते हैं कि हमें पता है कि अगर मैं इसका वॉल्यूम वी मान लेता हूँ, तो उसका जो 90% वॉल्यूम है वो वाटर के अंदर रहेगा और जो 10% वॉल्यूम है वो वाटर के बाहर रहेगा। ये फ्लोटिंग का एक रूल है। अब 90% अंदर है और 10% बाहर है और आइस जो है ये मेल्ट हो रही है। मेल्ट होने के बाद में वाटर लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या वही रहेगा, ये हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए एक सिंपल सा प्रोसीजर अपन लोग फॉलो करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास वेसल है, इस वेसल में से जो आइस थी, इस आइस को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया। ये आइस को मैंने बाहर निकाल लिया, इसका वॉल्यूम वी है। और जब अपन ने आइस को बाहर निकाला तो इतना स्पेस यहाँ पे खाली हो गया। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि ये जो स्पेस है, ये स्पेस बिल्कुल फ्रीज हो गया। ये जो पानी है यहाँ का आसपास का, इसको मैंने बिल्कुल फ्रीज कर दिया। हमने ऐसा मान लिया कि रेस्ट्रिक्टेड है कि पानी इधर से इधर आ सके, ये जगह खाली है। अब हम क्या करेंगे कि इस आइस को मेल्ट होने देंगे, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद में हम इसका वॉल्यूम देखेंगे। ये वाला जो वॉल्यूम है ये 0.9 ऑफ वी है, 90%। ये 0.9 ऑफ वी वॉल्यूम है। ये जो वाटर जो हमारा बना है, अगर इस पानी का जो वॉल्यूम है वो 0.9 वी से ज़्यादा मिलता है और हम इसको वापस यहाँ डालते हैं, अगर तो ज़्यादा मिलेगा तो वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। अगर ये 0.9 से कम मिलेगा तो वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ये 0.9 ही मिलेगा तो वाटर का लेवल वही रहेगा। हमारे पास में तीन कंडीशन बन सकती हैं। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम कैलकुलेट करें और अगर ये 0.9 वी से ज़्यादा आ गया तो उसका मतलब वाटर लेवल राइज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर 0.9 वी से कम आ गया तो वाटर का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, और अगर ये ठीक 0.9 वी के बराबर आएगा तो लेवल वही रहेगा। आइए हम कंडीशन को चेक करते हैं। ये तो तय हुआ कि जो मास है ये कांस्टेंट रहेगा। मास इज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास कांस्टेंट है तो मैं इक्वेशन बना सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू डेंसिटी ऑफ आइस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ आइस वी लिया है, डेंसिटी ऑफ आइस 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर 1000, वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरे को फाइंड आउट करना है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। इससे मैंने देखा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर 9V/10 मिला, जो 0.9 ऑफ वी है। ये एग्जैक्टली 0.9 ऑफ वी मिला मुझे, मतलब मेरी ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। जब मैं इस पानी को यहाँ पे डालूंगा तो ये एग्जैक्टली इतना स्पेस घेरेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर लेवल है वो कांस्टेंट रहेगा, उतना ही रहेगा, ना ही ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा। तो अल्टीमेटली जो अपना कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि वाटर लेवल रिमेन सेम व्हेन आइस मेल्ट्स। ये एक फैक्ट भी है, इस रिजल्ट को हमें हमेशा ध्यान भी रखना है।